आज के टाइम में साइंस में टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, इंसानों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि अब वो अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं और अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर भी। और सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली किसी भी घटना का जवाब साइंस के पास होता है। पर इतनी एडवांसमेंट के बाद भी हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज हैं, ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज लेकर आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्रूग्ड फॉरेस्ट, पोलैंड। पोलैंड का ये क्रूग्ड फॉरेस्ट अपने इन रहस्यमयी पेड़ों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। क्रूग्ड फॉरेस्ट जो कि पोलैंड के ग्रिफिनो नाम के शहर के पास मौजूद एक ऐसा जंगल है जहां लगभग 400 पाइन ट्री हैं और ये सभी पेड़ कुछ इस तरह एक ही तरफ अजीबोगरीब तरीके से झुके हुए हैं। और इन सभी झुके हुए पेड़ों की वजह से ही इसे क्रूग्ड फॉरेस्ट नाम दिया गया है। दोस्तों ये सभी पेड़ जमीन से लगभग 9 फीट तक 90 डिग्री के कर्व में बेंड हो रखे हैं नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, बट उसके बाद इस तरह ये स्ट्रेट ऊपर आसमान की तरफ बढ़ते हैं। इतने अजीबोगरीब आकार होने के बावजूद भी ये सारे पेड़ हेल्दी हैं और 50 फीट लंबे हैं। माना जाता है कि ये सभी पेड़ यहाँ पर 1930 में लगाए गए थे। इन पेड़ों के इस अजीब साइज और आकार का पता लगाने के लिए कई सारी रिसर्च स्टडी की गई है, पर कुछ भी अभी तक पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि इनका आकार ऐसा क्यों है। लेकिन लोगों ने इन पेड़ों के ऐसे आकार होने पर अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं। बहुत सारी थ्योरीज बना रखी हैं इनकी मिस्ट्री के पीछे। जैसे कि कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ अलग यूनिक ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से जब ये ट्रीज यहाँ ग्रो करते हैं तो वो इस तरह नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड हो जाते हैं। बट साइंस की माने तो ये थ्योरी फेल है क्योंकि ग्रेविटी तो चीजों को नीचे की तरफ पुल करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ना कि उन्हें कर्व बनाती। कुछ लोगों का मानना है कि जब ये पेड़ छोटे थे तो वहाँ भारी बर्फ गिरने के कारण ये सभी पेड़ एक ही डायरेक्शन में झुक गए हैं और जब बर्फ खत्म हुई तो आसमान की तरफ बढ़ने लगे। बट ये थ्योरी भी वैलिड नहीं मानी जा सकती क्योंकि उस जगह बहुत सारे पाइन ट्रीज हैं, लेकिन बर्फ से सिर्फ इसी जंगल के पेड़ क्यों झुक गए। बट इन सब में सबसे ज्यादा लोग एक थ्योरी को मानते हैं और वो ये है कि इन पेड़ों को ये आकार उस समय के लोकल किसानों द्वारा दिया गया था। माना जाता है कि उनके पास कुछ ऐसे औजार थे जिससे पेड़ों को यह आकार दिया जाता था, लेकिन ये कौन से औजार थे और किस वजह से इन पेड़ों को ऐसा आकार दिया जाता था ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो इस पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये क्रूग्ड फॉरेस्ट में मौजूद ये पाइन ट्रीज आज तक लोगों के बीच मिस्ट्री बने हुए हैं कि आखिरकार इनका साइज ऐसा क्यों है, आखिर क्या वजह रही होगी इनके इस आकार के पीछे, किस तरह ये पेड़ इसी तरह ग्रो करे। आज तक ये लोगों के बीच एक रहस्य ही बना हुआ है। मिस्टीरियस रेन ऑफ ओकविल। 7 अगस्त 1994 में जब वॉशिंगटन के ओकविल में सुबह 3 बजे के करीब बारिश शुरू हुई तो लोगों ने ध्यान दिया कि ये बारिश की बूंदें चिपचिपी सी हैं और नॉर्मल बारिश से बहुत अलग हैं, जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया था। लोग जब बारिश में कार के शीशे साफ करने लगे तो ये बूंदें शीशे से ही चिपकने लगी। दोपहर तक बहुत सारे लोग रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे, जैसे कि किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, किसी को कम दिखाई देने लगा। इस तरह की अजीब बारिश यहाँ 3 हफ्तों में 6 बार हुई और इस तरह की बारिश से वहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं कुत्ते और बिल्लियों की भी मौत हो गई। और जब इसके सैंपल को लैब में ले जाया गया टेस्ट के लिए तो पता चला इसमें इंसानों की व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद थी। तो इस अजीबोगरीब बारिश पर बाद में कई सारी थ्योरीज दी गई, जिसमें से एक ये थी कि जब आर्मी की प्रैक्टिस के दौरान बम समुद्र में गिराए गए होंगे तो उससे कई सारी जेलीफिश मर गई होंगी
और उनके टुकड़े बादलों में मिल गए होंगे। लेकिन आर्मी वालों ने ऐसी किसी भी प्रैक्टिस से मना कर दिया था, तो काफी रिसर्च के बाद भी इस मिस्टीरियस रेन का पता नहीं चल पाया कि आखिर इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था, कहां से आए ये सब्सटेंस बारिश में, और आज भी ये एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। लिपाक्षी द फ्लोटिंग पिलर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में वीरभद्र टेंपल में है एक रहस्यमयी पिलर, विच इज द मोस्ट फेमस पिलर ऑफ दिस टेंपल, जिसको आकाश स्तंभ भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, इस पिलर के नीचे से एक कपड़े को दोनों आर पार कर रखा है फ्लोर पर। ये पिलर रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका हुआ है और ये खम्बा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। वैसे तो इस मंदिर में कुल 70 पिलर्स हैं, पर ये एक ऐसा पिलर है जो जमीन से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये भी अपने आप में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। ला मंचा नेगरा कराकस। ला मंचा नेगरा ये एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो कि चिपचिपा और चिंगम की तरह था। ये एक अननोन सब्सटेंस था और इसको पहली बार 1986 में वेनेजुएला की सड़कों पर काम करते हुए मजदूरों ने देखा था, लेकिन ये उस समय सिर्फ 50 यार्ड के करीब सड़कों पर ही फैला हुआ था और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन कुछ ही महीनों में ये अननोन मिस्टीरियस सब्सटेंस 8 मील तक सड़कों में फैल गया। इसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इस कारण सड़कों पर कई दुर्घटनाएं होने लगी, रोड एक्सीडेंट जैसे खतरे बढ़ गए और लगभग 1800 लोगों की मौत भी हो गई। ये मौसम के अनुसार फैलता था, गर्मियों में ज्यादा फैल जाता था और ठंड पड़ने पर सिकुड़ जाता था। 1992 तक ये चीज लगभग पूरे कराकस शहर में फैल गई थी। वेनेजुएला की सरकार ने इससे छुटकारा पाने के लिए अमेरिका, कनाडा और यूरोप के बहुत सारे एक्सपर्ट से मदद मांगी और मिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर ये चीज क्या है, इससे छुटकारा कैसे पाएं। फिर जब कोई रास्ता नहीं मिला तो इसको धोया गया, इस पर चूना डाला गया और इसकी लेयर्स को खुरचा गया। ये सब कुछ समय के लिए तो काम करता, पर ये अननोन सब्सटेंस फिर से फैल जाता। लेकिन 1996 में जर्मनी के एक विशेष प्रकार के सफाई उपकरण के बाद इससे छुटकारा पा लिया गया, पर फिर से 2001 में इसे शहर की कुछ सड़कों पर फिर से देखा गया। हालांकि बाद में इससे छुटकारा पा लिया गया, पर ये सब्सटेंस था क्या, ये आया कहां से, ये वहां पर बना कैसे, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए मिस्ट्री ही बना हुआ है। बॉल लाइटनिंग। ये एक बड़ा ही रेयर और अनएक्सप्लेन फिनोमिना है जिसमें आसमान में बिजली कड़की थी, उसके बाद ये दिखाई दी थी। इसे लगभग दुनिया के सभी देशों में लोगों ने देखने का दावा किया था। देखे गए अलग अलग लोगों के अनुसार ये एक हल्की सी रोशनी का गोला होता है जिसे एक पी साइज से लेकर एक फुटबॉल के साइज जितना माना जाता है, और जिन जिन लोगों ने इसे देखा उन्होंने बताया कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक ये हवा में उड़ते हैं और किसी चीज से टकराकर नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि ये जिस भी चीज से टकराते हैं उसे कुछ मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, और इसके नष्ट होने के बाद जले हुए सल्फर की बदबू आती है। हालांकि बॉल लाइटनिंग से जुड़े बहुत सारे आर्टिकल्स प्रूफ्स मिल जाएंगे, तो ये तो पक्का है कि ये कोई झूठी घटना नहीं है, बट आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं कि ये बॉल लाइटनिंग पैदा कैसे होती है और किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, तो ये फिनोमिना भी आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमें सपोर्ट करने के लिए। We need your love and support. Thanks for watching this video.